अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, हाउ आर यू टुडे? Just fine. Today, dear viewers and listener, we are going to begin unit 8 and page number 83. And the objectives of the units are asking for and giving travel information. Puchna aur safar ke bare mein malumat dena. We will talk about travel information. Similarly, talking about past event, there will be discussion about the past event. Mazi ke waqiyat ke bare mein discussion hoga. Events mean waqiyat. Similarly, making and responding to polite request. Polite request karna aur iske jawab dena. Responding mean jawab dena. In grammar, we will talk about more irregular verb. Regular and irregular verb we will discuss. More WH question we will discuss. A time expression plus ago. Any time ka koi bayan aur ago iske saath discuss kar lenge. Could I, could you wala structure bhi hum detail se inshallah discuss kar lenge. And in scale, taking notes, how to take notes we will discuss. Reading a bus schedule, bus ka schedule kaise padhenge wahi discuss kar lenge. And completing a letter. जब हम कोई लेटर कंप्लीट करते हैं तो कैसे कंप्लीट कर लेंगे, वी विल टॉक अबाउट देम. व्हाट्स द टाइटल? गुड, हैव अ गुड फ्लाइट. एक अच्छा फ्लाइट कर लो, अल्लाह करे कि सफ़र बखैर हो जाए आपका. सफ़र बखैर. क्रिस्टीना इज़ गोइंग टू साउथ अमेरिका टू विजिट हर फैमिली, राइट? सो क्रिस्टीना इज़ गोइंग मीन बी गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर है. क्रिस्टीना का इरादा है कि साउथ अमेरिका जाए ताकि अपने वालिदैन और अपने फैमिली से मुलाकात कर ले. विज़िट के तीन माने हैं. कभी कभार विज़िट का माना सैर हो सकता है, कभी कभार विज़िट का माना इयादत हो सकता है जब कोई बीमार हो और विज़िट करना. विज़िट का माना दौरा करना भी है और मुलाकात करना भी है. तो चार मुख्तलिफ माने हैं. सियाक व सबाक के मुताबिक ये मुख्तलिफ माने देते हैं. या पास्ट, शी इज़ गोइंग टू विज़िट हर आंट एंड अंकल एंड केराकस. सो पहले उनकी इरादा ये है कि केराकस जाए, वहाँ अपने आंट और अंकल, चचा और चची से मुलाकात कर लें. देन शी इज़ गोइंग टू विज़िट हर पेरेंट्स इन बोगटा. फिर उसकी इरादा ये है कि बोगटा जाकर अपने वालिदैन से मुलाकात कर लें. विज़िट मीन मुलाकात करना. क्रिस्टीना एंड जीनो आर एट कैनेडी एयरपोर्ट नाउ. अब वो दोनों जीनो और क्रिस्टीना दोनों कैनेडी एयरपोर्ट में हैं. They left home very early because Christina is leaving on an early flight. They left home, leave, left. रुखसत हो गए, वो उन्होंने घर को छोड़ा. अर्ली सवेरे, जल्द सो घर को छोड़ा. बिकॉज क्रिस्टीना इज़ लिविंग ऑन एन अर्ली फ्लाइट. क्योंकि क्रिस्टीना एक जल्द फ्लाइट में जाने का इरादा रखती है कि ऐसे फ्लाइट में जाए जो सुबह सवेरे जाती है. दे गॉट टू द एयरपोर्ट ऑन एन आर अगो. और एक घंटा पहले वो एयरपोर्ट को पहुंच गए. अगो मीन पहले, एन आर एक घंटा, हावर न कहो आर. आर का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका आर है. आर मीन जस्ट लाइक ए बी सी में जो हम आर लिखते हैं, वी शुड प्रोनाउंस इट इन दिस वे. एन आर अगो दे वेंट टू द एयरपोर्ट. फर्स्ट क्रिस्टीना वेंट टू द चेक इन काउंटर. सो सबसे पहले क्रिस्टीना चेक इन काउंटर को गया. चेक इन काउंटर मीन वो काउंटर जहाँ पर टिकट वगैरह चेक होते हैं. सो एजेंट, व्हाट डज द एजेंट से? गुड मॉर्निंग मिस, मे आई सी योर टिकट. मीन मिस गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपकी टिकट देख सकती हूँ, मुझे टिकट बताओ. तो क्रिस्टीना क्या जवाब देती हैं? हियर यू आर, ये ले लो, ये मेरा टिकट है, ये ले लो. ओ कुड आई हैव अ विंडो सीट प्लीज़, क्या आप मुझे विंडो खिड़की वाला सीट दे सकते हैं जहाज में? सो एजेंट, सर्टनली यकीनन. गुड, कुड यू पुट योर बैगेज हियर प्लीज़, क्या आप अपना बैगेज यहाँ रख सकते हैं प्लीज़, बराए मेहरबानी. आप अपना सामान, बैगेज एंड लगेज दोनों सामान को कहते हैं. क्या आप अपने जो सामान है आपके साथ, सूटकेस वगैरह है, वो आप यहाँ रख सकते हैं? सो अ फ्यू मिनट लेटर, जब वो सामान को चेक करते हैं सूटकेस वगैरह को, तो एजेंट कहता है कि ओके मिस, ठीक है मिस, योर सीट नंबर इज़ 20A.
20A आपका सीट नंबर है। योर फ्लाइट इज़ बोर्डिंग फ्रॉम गेट 18 एट 9:30 और 9:30 आपका फ्लाइट 18 नंबर गेट से रवाना होगा। एंड देयर इज़ वन स्टॉप ओवर इन मायामी और एक स्टॉप ओवर है, एक क़याम है इन मायामी, मायामी में आप एक स्टॉप ओवर कर लेंगे। सो व्हाट डज क्रिस्टीना से? गॉड ओके, हाउ लॉन्ग डू वी स्टॉप इन मायामी, मायामी में हम कितने देर स्टॉप कर लेंगे? सो एजेंट, फॉर टू आवर्स, हम 2 घंटे वहाँ पर क़याम कर लेंगे। क्रिस्टीना, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो एजेंट, गॉड यू आर वेलकम, हैव अ गुड फ्लाइट। सो देट वॉज द प्रेजेंटेशन आर द मेन प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। Now we are going to begin the next activity, and that is vocabulary and context. Travel information is there. So A number say, for a trip by plane, train or bus, you need a ticket. जब आप ट्रिप लगाते हैं प्लेन जहाज के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए या बस के ज़रिए, तो आपको एक टिकट की ज़रूरत होती है, आपने टिकट ख़रीदना होता है। सिमिलरली फॉर अ ट्रिप टू अनदर कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट, जब आप किसी और मुल्क को जाते हो तो आपके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। द थर्ड वन से, फॉर अ लॉन्ग ट्रिप यू नीड अ लॉट ऑफ बैगेज और लगेज, अगर लंबे ट्रिप पर आप जाते हो तो आपको बैगेज या लगेज सामान की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने साथ ले जाएं। सिमिलरली डी नंबर से, फॉर अ शॉर्ट ट्रिप मोस्ट पीपल टेक ओनली वन सूटकेस और बैग, शॉर्ट ट्रिप के लिए अक्सर लोग एक सूटकेस या एक बैग अपने साथ ले जाती है। ई नंबर से, द एजेंट एट द चेक इन काउंटर गिव्स यू योर सीट नंबर, सो जो एजेंट होता है वह आपको जो चेक इन काउंटर में बैठा होता है वह आपको सीट नंबर आपके आपको देता है कि आप किस नंबर सीट पे बैठ जाएंगे। यू बोर्ड एन एयरप्लेन फ्रॉम अ गेट, और एक गेट एक दरवाजे के ज़रिए से आप एयरप्लेन में दाखिल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो दीज आर ब्रदर एंड सिस्टर ट्रेवल वोकैबुलरी, टिकट, पासपोर्ट, बैगेज, लगेज, सूटकेस, बैग, एजेंट, चेक इन काउंटर, सिमिलरली सीट नंबर, बोर्ड एंड गेट। So try to learn this vocabulary more and more, and inshallah we will discuss the coming activities in the coming presentation and activities. Thank you so much for watching the video. Try to share the video with your near and dear one. Thanks a lot.